हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। आज का हमारा टास्क है कि हम किस तरह से चेक करें कोई नंबर डिविजिबल बाय 5 है या नहीं। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखिए, आप प्रोग्राम पहले से कर चुके होंगे, आप देखते हैं कोई भी नंबर इवन है या नहीं। तो आप क्या करते हैं, उस नंबर को मॉडुलर 2 करते हैं, और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। इसी तरह अगर हम किसी भी नंबर को मॉडुलर 5 करें और रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कह देंगे कि वो नंबर डिविजिबल बाई 5 है, वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगी। लेट से अगर हमारे पास कोई नंबर 20 है और उसको मॉडुलर 5 करें और इसका रिजल्ट 0 आ जाए तो हम कह देंगे कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। ओके, तो ये लॉजिक तो हमें पता है पहले से। और क्या लॉजिक हो सकते हैं, देखिए हमें, देखिए अगर मैथमेटिक्स में हम जाएं तो हमें यह भी पता है कि अगर कोई नंबर जो है उस नंबर के जो इकाई प्लेस पर जो डिजिट होता है, मतलब जो पहला डिजिट होता है राइट साइड से, जैसे अगर हमारे पास ये कोई नंबर है तो अगर इसके हम पहले डिजिट की बात करें तो हम इधर की बात कर रहे हैं राइट साइड से। ओके, तो अगर इसकी जगह पर 0 या 5 है, जो लास्ट डिजिट है उसकी जगह पर या तो 0 हो या तो 5 हो, या तो 0 या तो 5 हो, तो वो भी नंबर डिविजिबल बाय 5 होगी, गारंटी है, राइट। तो हमारे पास देखिए दो तरीके हैं, या तो हम ये मॉडुलर ऑपरेटर का यूज करके डिविजिबिलिटी चेक करें, या तो हम ये लॉजिक देखें 0 और 5। तो ये लॉजिक तो हमें पहले से ही पता है, हम चेक करेंगे मॉडुलर 5 इफ इक्वल टू 0 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5, अदरवाइज नॉट। लेकिन अगर हम इस लॉजिक से इंप्लीमेंट करना चाहें इस प्रोग्राम को तो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें ये लास्ट डिजिट चाहिए, राइट। और लास्ट डिजिट हमें कैसे मिलेगा, हाँ तो लास्ट डिजिट निकालने के लिए हमारे पास ये मॉडुलर ऑपरेटर है ना, हमें पता है, हम अपने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन भी कर चुके हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को मॉडुलर 10 करते हैं, कोई भी वो नंबर हो, लेट्स अगर ये नंबर है और इसको अगर मॉडुलर 10 करें तो हमेशा जो लास्ट डिजिट है वही हमारा आंसर होती है, क्योंकि जो मॉडुलर 10 है मॉडुलर हमें हमेशा रिमाइंडर देता है। तो अगर मॉडुलर 10 करें तो उसकी खास बात यह है कि रिमाइंडर तो देगा लेकिन वो रिमाइंडर एज अ लास्ट डिजिट ही होगा। पास वन में आई, जैसे अगर हम 10 को 9 से मॉडुलर करें, मैं ये कह रहा हूं कि मैं करूं 10 मॉडुलर 9 तो इसका रिमाइंडर आएगा 1। ओके, लेकिन यहां पर लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, जबकि रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन खास बात यह है कि जब हम किसी नंबर को मॉडुलर 10 करते हैं तो वो जो रिमाइंडर होता है वो लास्ट डिजिट ही होता है। इस तरह से देखिए, जैसे यहां पर हुआ है, राइट। इसी तरह से हमारे पास कोई भी नंबर हो 4, 5 है और उसको अगर हम मॉडुलर 10 करें तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो 5 ही होगा, राइट। तो यस, मॉडुलर 10 अगर हम किसी नंबर को करेंगे तो हमें लास्ट डिजिट जो है वो मिल जाएगी, और अगर वो लास्ट डिजिट 0 है या 5 है तो हम कह देंगे कि वो नंबर डिविजिबल बाय 5 है। तो चलिए इस प्रोग्राम को अब हम लोग करते हैं। ओके, हेलो गाइज, तो देखिए अब कैसे करते हैं इसको प्रोग्रामिंग में। देखिए, मैं एक पहले वेरिएबल बना रहा हूं क्योंकि मैं यूजर से वो नंबर इनपुट लूंगा। ओके, और एक मैं रिमाइंडर स्टोर करने के लिए आर नाम का वेरिएबल बना रहा हूं। मैं यूजर को एक मैसेज दे रहा हूं, प्रिंट ऑफ इंटर अ नंबर। तो यूजर क्या करेगा, एक नंबर इंटर करेगा, तो जिसे मैं स्कैनफ प्रीडिफाइंड फंक्शन की सहायता से इनपुट ले लूंगा। तो एन में क्या आ गया है, एन में आ गया है वो नंबर, और अब मैं उस नंबर को एन को मॉडुलर 10 करूंगा तो जो इसका आंसर आएगा वो हमें आर में रखना है। ओके, और फाइनली फिर आर को हमें चेक करना है कि इफ आर इक्वल टू 0 आर इक्वल टू 5, अगर ऐसा है
तो मैसेज हम प्रिंट कराएंगे नंबर इज डिविजिबल बाय 5, ओके। अदरवाइज नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5, ये हमारा हो गया प्रॉपर लॉजिक। ओके चलिए इसको रन करते हैं। ओके क्या है इधर आ रहा है, इधर मैं यहां पर एक सेमी कॉलन मिस्टेक भूल गया था, राइट। तो देखिए ये प्रोग्राम रन हो चुका है और मैं इसमें पहले एंटर करता हूं 25, तो हमारा चाहिए यस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ओके फिर मैं इस बार प्रोग्राम को रन करता हूं और इस बार ऐसा नंबर इनपुट करूंगा कि जिसके लास्ट में जीरो हो, 120, यस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो 5 का भी हमने चेक कर लिया और 0 का भी। इस बार हम कोई ऐसी नंबर एंटर करेंगे, इनपुट करेंगे कि वो डिविजिबल बाय 5 ना हो, जैसे कि 20। तो हमने यहां पर एंटर किया 23, तो देखिए नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5, जो कि हमारा बिल्कुल सही है, राइट। तो आप मॉड्यूलर ऑपरेटर भी यूज कर सकते थे यहां पर, राइट। तो उसको करने के लिए आप क्या करते, देखिए मैं इस कोड को कमेंट में कर रहा हूं और यहां पर मैं ये कमेंट में कर दिया है और n में हमारे पास इनपुट है, तो मैं चेक करता इफ n मॉड्यूलर 5 इक्वल टू 0, यहां पर ऐसे करता, राइट। और फिर से यही सारा मैसेज, इनफैक्ट मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूं यहां पर, मैं यही कोड हटा रहा हूं और यहां पर मैं क्या करता, इसकी जगह पर n मॉड्यूलर 5 इक्वल टू 0 देन नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके ऑलरेडी यू नो दिस। ओके तो देखिए फिर से मैं इंटर कर रहा हूं 45, यस डिविजिबल बाय 5, राइट। एक ऐसा नंबर फिर से इंटर करते हैं जो डिविजिबल बाय 5 ना हो, लेट से हमने इंटर किया 12, नॉट डिविजिबल बाय 5, जो बिल्कुल सही है। तो आई होप कि ये प्रोग्राम और आपको दोनों तरह से लॉजिक समझ में आया होगा, राइट। जब हम किसी नंबर को चेक करते हैं वो डिविजिबल बाय किसी नंबर है या नहीं, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि मॉड्यूलर ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं, राइट। सो आई होप ये समझ में आया होगा एंड थैंक यू।